आज के वीडियो में हम लोग नया एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट थ्री फिज़िक्स ऑनर्स के रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये सेमेस्टर सिक्स में है और ये टॉपिक का नाम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में हम लोग एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स उसकी एक्यूरेसी उसके वर्किंग और उसके यूजेस के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे सो so, जैसा कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स रांची यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो हमारा यहाँ पे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है तो इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्टरी देखेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है और एक एक करके हम लोग चैप्टर फिर हम लोग एक एक वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में मेज़रमेंट फर्स्ट चैप्टर इज मेजरमेंट इन मेजरमेंट चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट द एकूरेसी एंड प्रिस सिग्निफिकेंट एरर सिग्निफिकेंट फिगर एरर एंड अनसर्टरनेटिव अनाललाइसिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं एररस के अनालसिसिस हम लोग कैसे करेंगे कैसे किसी भी एक्सपेरिमेंटल डाटा कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल डाटा का एरर uh, अनालसिसिस कैसे हम लोग फाइंड करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे और फिर उसके यूजेस को हम लोग देखेंगे कहाँ पे ये यूज़ होता है देन टाइप्स ऑफ एरर्स है ग्रॉस एरर है सिस्टमेटिक एरर है रैंडम एरर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड डाटा एनालिसिस इन डाटा एनालिसिस वी हैव टू स्टडी अबाउट द अर्थमेटिक मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन एवरेज डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ली चीज स्क्वायर एंड कर्व फिटिंग एंड गॉसियस डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो मेज़रमेंट चैप्टर है ये मैथेमेटिकली हम लोग को इसमें पढ़ना है इसमें किसी भी एक्सपेरिमेंटल डेटा के बाद एक्सपेरिमेंटल करने के बाद जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है उस डेटा के यूज़ करने के लिए क्या मैथेमेटिकल टूल है वाट आर द मैथेमेटिकल टूल्स टू डेराइव द सर्टन रिजल्ट और कंक्लूजन हम लोगों को इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिग्नल एंड सिस्टम सिग्नल्स एंड सिस्टम इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट द पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स क्या क्या होते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड ट्रांसफर फंक्शन क्या होते हैं फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम मतलब सिस्टम्स कितने होते हैं सिस्टम्स का फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम क्या है एंड देन वाट आर द फ्लक्चुएशंस एंड नॉइज़ इन द मेजरमेंट ऑफ द सिस्टम दैन सिग्नल रेशियो नॉइज़ फिगर नॉइज़ इन द फ्रीकुंसी डोमेन फ्रिक्वेंसी डोमेन में नॉइज़ कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ नॉइज एंड इनहेरेंड फ्लक्चुएशन एंड थर्मल नॉइज़ सूट नॉइज़ ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइज़ के बारे में पढ़ेंगे मतलब इस सिग्नल्स में हमारे जो सिग्नल्स हमारे आते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा में एक्सपेरिमेंटल अपराटस में तो वो कितने तरह के सिग्नल्स होते हैं और कितने तरह के सिस्टम होते हैं और वन ऑर्डर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स क्या होते हैं उसके मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है वो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे थर्ड चैप्टर इज हमारा है सील्डिंग एंड ग्राउंडिंग सील्डिंग एंड ग्राउंडिंग इन सील्डिंग एंड ग्राउंडिंग चैप्टर द सिलेबस कंसिस्ट ऑफ मैथड ऑफ सेफ्टी ग्राउंडिंग किसी भी ऑपरेटस को हम लोग ग्राउंड कैसे कहते हैं एंड देन एनर्जी कपलिंग ग्राउंडिंग सील्डिंग इलेक्ट्रोट स्टैटिकल्डिंग एंड इलेक्ट्रोमैटिक इंटरफेरेंस हमारे जनरली uh, ग्राउंडिंग और सील्डिंग के बारे में हमारा ऑपरेटस को कैसे ग्राउंड करते हैं और सील्ड करते हैं उसके बारे में हमको यहाँ पे देखना है नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ पे हमको ट्रांस डूसर्स के बारे में पढ़ना है ये एक अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट्स है इंस्ट्रूमेंट्स से ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं कहाँ पे इसका यूज है कितने टाइप्स ऑफ ट्रांस ट्रांसडूसर्स होते हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन इंडस्ट्रियल इंस्ट्रोमेशन में इसका क्या यूजेज़ है इसके बारे में हमको देखना है जैसे कि सिलेबस कहता है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट ऑफ सिस्टम्स देन जनरलाइज परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम्स जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर एंड हाइयर ऑर्डर सिस्टम्स इलेक्ट्रिकल थर्मल एंड मैकेनिकल सिस्टम्स क्या है देन कैलिब्रेशन क्या है ट्रांसड्यूसर्स एंड सेंसर्स किसको कहते हैं नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स ट्रांसड्यूसर्स एज ए इलेक्ट्रिकल एलिमेंट एंड देयर सिग्नल कंडीशनिंग टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स के बारे में हम लोग को यहाँ पे देखना है दिस इज द फोर्थ चैप्टर एंड द फिफ्थ चैप्टर देर आर सम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स So, हमको यहाँ पे पढ़ना है डिजिटल मल्टीमीटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग डायोड या किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को चेक करने के लिए मल्टीमीटर्स का यूज करते हैं तो हम लोग देखे होंगे कि मल्टीमीटर्स दो टाइप से होते हैं जनरली अनलॉग और डिजिटल डिजिटल जैसा है जिसमें हमारा सिंगल्स सिग्नल्स uh, के रूप में हम लोग देखते हैं अनलॉग में जब एक मीटर लगा हुआ रहता है सो so, मल्टीमीटर्स कितने टाइप्स के हैं वो हमको देखना है सो कंपेरिजन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल मल्टीमीटर्स ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर्स प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ आई वी सी मतलब करेंट वोल्टेज और कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं एंड वाट आर द एक्सी एंड रेजोल्यूशन ऑफ मेजरमेंट कैसे किसी भी आप्रेटर्स का या इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स का कैपेसिटर हो रजिस्टर हो या कोई इलेक्ट्रिक अप्लाइंस हो उसको चेक करने के लिए लॉग और डिजिटल मल्टीमीटर्स के टर्मिनल्स को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं उसका एक्रेसी कैसे फाइन कर सकते हैं इसको यहाँ पे हम लोग को देखना है दिस इज द फिफ्थ चैप्टर एंड द लास्ट चैप्टर इज वैक्यूम सिस्टम सो इन वैक्यूम सिस्टम वी हैव टू स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैक्यूम गैस लॉ मीन फ्री पाथ एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम वैक्यूम सिस्टम चैम्बर मैकेनिकल पंप डिफ्यूजन पंप टर्बो टर्बोमोलिकुलर पंप पंपिंग स्पीड प्रेशर गॉज जिसमें हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉज गौ, पढ़ने हैं गॉजेस पढ़ने हैं जिसमें पिरानी गॉज है पिनिंग है आयोनाइजेशन है इसके बारे में पढ़ता है सो दीज आर दिक्स मेजर चैप्टर्स ऑफ़ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स दिस सिलेबस आर कंटेन्स इन दिलेबस ऑफ रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर सिक्स इंक्लूडेड इन नॉट इन द कोर्स सब्जेक्ट इट इज इंक्लूडेड इन द डीएससी सब्जेक्ट सो एक एक करके हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग फास्ट करेंगे तो फर्स्ट हमारा चैप्टर है मेजरमेंट मेजरमेंट को हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का और वो है मेज़रमेंट मेजरमेंट हमारा स्टार्ट होगा फिज़िकल मेज़रमेंट से कि हम लोग मेजरमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं व्हाट आर द प्रोसीड्योर वाट आर द साइकिल्स तो जैसे हम लोग बोर्ड में देख रहे हैं एक डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस में फिज़िकल मेज़रमेंट हम लोग कैसे करेंगे इसके बारे में सो फिज़िकल मेज़रमेंट सो फिजिकल मेजरमेंट स्टार्ट्स विथ ऑब्जर्वेशन हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए एपरेटस सेट कर दिया एपरेटस सेट करने के बाद हमारा क्या फर्स्ट मेथड रहता है कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि पर्टिकुलरली हमारा क्या वैल्यू आ रहा है जैसे हम लोग ओम स्लो के बारे में ही देख लें ओम स्लो में जब हम लोग करते हैं कि एक रेजिस्टेंस और का हम लोग कैरेक्टेरिस्टिक्स कहते हैं तो करेक्टरिस्टिक करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि रेजिस्टेंस पर्टिकुलर सर्किट्स में कैसे करंट और वोल्टेज को वैरी कर रहा है रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ रहता है उसके अक्रॉस में हम लोग वोल्ट मीटर और एम मीटर लगाते हैं और हम लोग करंट और वोल्टेज का डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजस्टेट का जब वैल्यू को हम लोग चेंज करते हैं तो चेंज करने के बाद देखते हैं कि वोल्ट वोल्ट मीटर में और एम मीटर में क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है और उसके कैरेक्टरिस्टिकली हम लोग फिर अपना कंक्लूजन करते हैं तो फर्स्ट हमारा किसी भी फिजिकल मेजरमेंट का स्टार्ट होता है हमारा ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्वेशन करने के बाद करने के लिए हम लोग को फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बढ़ेंगे एरोसाइन जो हमारा इंडिकेट कर रहा है दैट इज द मेजरमेंट मेजरमेंट्स किसी भी चीज का मेजरमेंट करने के लिए हमको उसका फिजिकल लॉ थ्योरी पता होना चाहिए सो so दैट्स

फिर प्रोडिक्शन करने के बाद फिर हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये एक तरह का साइकिल है तो दिस इज कॉल्ड द साइकिल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस फिजिकल मेजरमेंट में एक्सपेरिमेंट जो है हमारा इस साइकिल से यूज होता है दैट इज ऑब्जर्वेशन देन मेजरमेंट मेजरमेंट के बाद थ्योरी थ्योरी के बाद एवोल्यूशन एवोल्यूशन के बाद प्रोडिक्शन एंड देन दिस प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल द final result is found or our desired result is found in the experiment so this is the cycle of experimental science so the next is what is measurement so as the definition says that the measurement is the process by which the natural world is quantified that means good measurements are required to describe a phenomena to compare with theory and to make an engineering design दैट मीन्स मेज़रमेंट हमारा करने के लिए किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट करने के लिए इट इज़ द प्रोसेस बाई विच नेचुरल वर्ल्ड इज क्वान्टिफाइड मतलब फिजिकल वर्ल्ड में इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें ऐसा मेरा मेजरमेंट हो सकता होना चाहिए और गुड मेजरमेंट करने के लिए हमारा क्या क्या होना चाहिए ऐसा मेजरमेंट होना चाहिए जो थ्योरी से रिलेटेड हो फिजिक्स के थ्योरी से रिलेटेड हो जो थ्योरी हमारा उसमें कंसिडर हो एंड टू मेक द इंजेंट डिजाइन मतलब उससे रिलेटेड अगर हम डिज़ाइन करना चाहें तो उस डिज़ाइन को भी हम लोग यहाँ कर सके सो टू फाइनलाइज द वैल्यू इट इज़ द मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स इन फिजिक्स वी ओनली कंसिडर्ड वेट थ्योरी एंड ऑल द वेरिएबल्स एंड द कॉन्स्टेंट्स विच आर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट मतलब वैसे वेरिएबल्स और कांस्टेंट होने चाहिए जो उससे रिलेटेड हो और उसके फाइंड को हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एक एक करके जब हम लोग इसके बारे में आगे डिटेल्स में जाएंगे तो और इसके बारे में क्लियर हमारा आइडिया हो जाएगा सो दैट इज द डिफिनेशन ऑफ मेजरमेंट हाउ वी मेज़र द एक्सपेरिमेंट व्हाट आर द स्कोप एंड व्हाट आर द एक्सपेरिमेंटल डेटा सीज अबाउट द मेजरमेंट दीज आर द डिफिनेशन्स ऑफ मेजरमेंट नाउ द नेक्स्ट इज वाट इज़ द एक्ूरेसी एंड वाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट डेटा वो हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोगों को देखा कि मेजरमेंट क्या है मेजरमेंट का डिफिनेशन क्या है नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट करने के बाद हमारा ऑब्वियसली है कि एक्सपेरिमेंट डाटा में हमारा रिजल्ट आएंगे सो द मेजरमेंट द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट द फर्स्ट पार्ट इज वैल्यू द सेकेंड पार्ट इज यूनिट वाट आर द यूनिट्स मेजर इन द मेजरमेंट एंड द थर्ड पार्ट इज अनसर्टनिटी सो एज द वैल्यू सजेस्ट द वैल्यू प्लस माइनस अनसर्टनिटी एंड यूनिट्स ये प्लस माइनस क्यों यूज किए हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में अभी देखेंगे आगे के बारे में भी क्लियर होगा सो फर्स्ट इज वैल्यू इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिनोमेना एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डेफिनेट डिफाइंड यूनिट्स किसी भी चीज़ का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो वैल्यू हमारा पर्टिकुलर यूनिट्स में हमारा होगा जैसे अगर सिंपल पेंडुलम कर रहे हैं तो टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं टाइम पीरियड का यूनिट हमारा वहाँ पे होगा तो उसका वैल्यू हमारा जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम लोग का अगर निकाल रहे हैं या एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड कर रहे हैं तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो उसका वैल्यू होता है वही हमारा यहाँ पे वैल्यू होगा तो वो वैल्यू हमारा पहले से पता है एक्सपेरिमेंट हम लोग करें जाएंगे और एक्सपेरिमेंट में हमारा क्या वैल्यू आता है वो वैल्यू कंसिडर हम लोग यहाँ करेंगे सो वैल्यू कंसिडर करने के लिए हमारे दो वैल्यूज होते हैं फर्स्ट वो हो होते हैं जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है और जो एक्सपेरिमेंटल डेटा से हमारा वैल्यू आता है तो जनरली कोई जरूरी नहीं है कि जो हम लोग फाइन किए हैं और एक्सपेरिमेंटल डाटा से जो वैल्यू हम लोग फाइन कर रहे हैं वो एक्चुअल वैल्यू ही आए सो दिस मे बी डिफर सो द वैल्यू ऑफ टेन वैल्यू जो हम लोग फाइन करते हैं वो क्या करते हैं जितने सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते हैं उसके वैल्यूज को हम लोग जो रिपीटेड डेटा होते हैं उसको क्या करते हैं एवरेज फाइन के सो द वैल्यू ऑफ टेन एनी वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वान्टिटी इज ऑप्टेन बाई एवरेजिंग द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट जो रिपीटेड मेजरमेंट कर रहे हैं उसका हम लोग एवरेज जैसे टेन एक्सपेरिमेंट किए तो टेन एक्सपेरिमेंट्स का एवरेज फाइन करेंगे टेन मेजरमेंट करने के बाद या फाइव किए या टेन जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट्स है नेक्स्ट द मेजर वैल्यू में डिफर फ्रॉम द ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यू से मेजर वैल्यू डिफ्रेंस हो सकते हैं जैसे हम लोग एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाइन पॉइंट एट मीटर जो मेरा ट्रू वैल्यू है सिंपल पेंडुलम का एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर वो हमारा अलग निकल जाए तो वो हमारा अलग एरर हो वो एक्सपेरिमेंटल डेटा हो गया सो द ट्रू वैल्यू माने मेजर वैल्यू जनरली कॉल्ड एरर दिस इज़ द एर वैल्यू समटाइम्स मेजर वैल्यू इज ग्रेटर दैन ट्रू वैल्यू और समटाइम्स ट्रू वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन मेजर वैल्यू दोनों का जो डिफ्रेंस होगा वो हमारा एरर होगा जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने में फिजिकल एपरेटिस को सेटअप करने में या जो भी हमारा उसमें इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा उस इफेक्ट के चलते जो हमारा हुआ है वो दैट इज़ एरर Now, the सेकेंड पार्ट ऑफ the मेज़रमेंट इज़ यूनिट जनरली हम लोग क्लास इलेवेंथ में देखे हैं कि किसी भी तरह के फिज़िकल uh, क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए उसका यूनिट होना जरूरी है तो जनरली हम लोग देखते थे कि जो फंडामेंटल uh, यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स हम लोग देखते थे तो फंडामेंटल यूनिट्स में मास लेंथ टाइम लेते थे और उसका फिर डराइव यूनिट हम लोग फाइन करते थे सो so, किसी भी फिजिकल क्वान्टिटी के लिए हमारा उसका यूनिट होना जरूरी है सो so, दिट्स मे बी लेंथ टाइम और चार्ज और जनरली हम लोग एक्सपेरिमेंटल डेटा करने के लिए एस आई सिस्टम को ही यूज़ करते हैं ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड है और इसको हम लोग यूज़ करेंगे एस आई सिस्टम में सी सिस्टम जनरली और बाकी एम सिस्टम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं जनरली हम लोग क्या यूज़ करते, है? SI करते हैं एस आई सिस्टम यूज़ करते हैं एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ अनसर्टनिटी मतलब वैल्यू में क्या डिफरेंस हो रहा है इट इज डिफाइंड एज द एस्टिमेट ऑफ द डिग्री टू विच द वैल्यू ऑफ ए मेजरमेंट कैन बी रिपीटेड और इज एक्सपेक्टेड टू कन्फर्म टू द ट्रू वैल्यू दैट मीन्स कि ट्रू वैल्यू लाने के लिए हमको एक्सपेरिमेंट को कितनी बार रिपीट करना होगा या फिर क्या उसमें चेंजेस करना होगा एपरेटस में या फिर फिजिकल इन्वायरमेंट में या सेटअप में दैट इज कॉल आंसर सो द मेजरमेंट रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट कंसिस्ट थ्री पार्ट्स फर्स्ट इज़ वैल्यू यूनिट्स एंड अनसर्टिनिटी और इस तीनों के कॉम्बिनेशन से ही हम लोग फाइनली रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं सो so, इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके फर्दर चैप्टर्स के बारे में हम लोग देखेंगे फर्दर चैप्टर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं कैसे हम लोग फाइंड करेंगे और उसके डिफिनेशन को देखेंगे डिफिनेशन के बाद कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे एग्जाम्पल्स लेने के बाद फिर उसको हम लोग क्लियर करेंगे तो ये हमारा पहला चैप्टर था पहला चैप्टर्स के फर्स्ट वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और इसके कंक्लूजन और मेजरमेंट के बारे में देखेंगे